पप्पू यादव ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने जिद छोड़ने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी पॉलिसी में समय समय पर बदलाव होती है। नीतीश जी का प्रयास गलत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश में है, सिर्फ बिहार में नहीं है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित हो रहा है। शराब के आड़ में गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करना होगा। आम लोगों को शराब के नाम पर पुलिस प्रताड़ित कर रही है। किसी एक जिद के लिए 6 लाख आदमी जेल जाए तो गरीब और मध्यम वर्ग बेवजह परेशान होते हैं। पारसी समाज को परेशान करते हैं तो ताड़ी में क्या परेशानी है? ताड़ी बंद करने का क्या कानून है? मैं ऐसे कानून का जबरदस्त विरोध करता हूँ। शराब जैसी पॉलिसी में 80% टैक्स बढ़ा दीजिए। जमीन बालू के बाद सबसे ज्यादा हत्या शराब के कारण हो रही है। शराब की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। जो राजस्व विकास में लगना चाहिए वो माफिया नेता पदाधिकारी को जा रहा है। दरोगा को निलंबित कर एसपी को छोड़ दिया जाता है। शराब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गरीब और पासी समाज को बर्बाद किया जा रहा है। जुरु दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।